पर मौजूद हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती नजर आ रहे हैं और उनके साथ अलग अलग जगहों से पधारे हुए पीठाधीश्वर संत। जी हाँ, सनातन की परंपरा और हमारे देश की अगर रिवाज और रवायत को देखें तो इनका भी बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है और इनको आमंत्रित करना ये अपने आप में एक संदेश देना है कि भारत को अगर आगे लेकर जाना है तो सनातन का सम्मान करना होगा, संतों को साथ लेना होगा, संतों के आशीर्वाद की हमेशा जरूरत होती है। और राजस्थान सरकार की जो अब एक नई भूमिका देखने में सामने आएगी तो फिर संतों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा, उनके मार्गदर्शन की जरूरत होगी और उनके सम्मान को जिस तरह से यहाँ पर पेश किया गया है आमंत्रित करके, वो भी बेहद खास यहाँ पर होने वाली है। और देखिए, जिसका जिक्र यहाँ पर हम कर रहे थे, अगर टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देखें, यहाँ गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तस्वीर और कैलाश चौधरी भी वहां पर खड़े हुए, लेकिन जो गुफ्तगू हो रही होगी तो क्या चर्चा हो रही होगी और ये चर्चा तो क्या हो रही होगी ये खुद ही जाने, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि दोनों मिले तो बड़े अदब से मिले। मैं अगर निरंजन जी का ऑडियो आ पाएगा तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं तो निरंजन जी से बात करूंगा। निरंजन जी, ऑडियो आपका अप होगा तो जरा बताइएगा, हम और हेमंत तो कयास लगा ही रहे हैं, ये क्या बातचीत हो रही होगी? देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत जी आज की तारीख में कांग्रेस के उन चंद नेताओं में से हैं जो आप ये मान के चलिए उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि चाहे आप सत्ता में हो, चाहे आप पार्टी, मतलब आपका पार्टी से आपका मतभेद हो सकता है लेकिन आपका मन भेद नहीं है। और आपने ये देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर पिछले एक साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब राजस्थान कैंप करते थे, राजस्थान के अंदर जब रैलियां करते थे, उस टाइम अशोक गहलोत जी उनके साथ शामिल होते थे, यानी कि सरकारी कार्यक्रमों में पिछले दो चार पांच सालों से हमने ये देखा है कि जो चाहे बंगाल में हमने देखा, वसुंधरा राजे भी आ चुकी हैं यहाँ पर और वसुंधरा राजे भी पधार चुकी हैं। जी हाँ, सभी के चेहरे खिलखिलाए हुए हैं क्योंकि आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास है और वसुंधरा राजे भी यहाँ मंच पर विराजमान हो चुकी हैं। और इस बीच केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं और स्वागत किया गया यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से उनका। तो इस मंच पर अब धीरे धीरे करके सभी मेहमानों के आने का सिलसिला, उनके विराजमान होने का सिलसिला लगातार चल रहा है। जी निरंजन जी, आपने बताया नहीं लेकिन सर बात क्या हो रही होगी, आप तो बैकग्राउंड में चले गए। नितिन गडकरी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और देखिए यहां नितिन गडकरी का जो राजस्थानी साफा और पगड़ी होती है उसके साथ स्वागत भव्य तरीके से किया गया, फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया गया। अगर यहाँ से यही मानकर चला जाए कि सीधा एयरपोर्ट से अब वो रवाना होंगे अल्बर्ट हॉल के लिए जो समारोह स्थल है, शपथ ग्रहण समारोह स्थल है, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और 12:10 का वो वक्त, क्योंकि 12:03-4 तो हो ही चुके हैं। अब कभी भी अगले 5-7 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ लैंड कर सकते हैं जयपुर के स्टेट हैंगर में और फिर वो भी सीधा रवाना हो जाएंगे, 12:30 पर वो यहाँ समारोह स्थल में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल रविंद्र, आप ठीक करें, 12:03 हो चुके हैं करीब करीब और 12:10 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से स्टेट हैंगर से वे निकलेंगे, उनका काफिला निकलेगा, सीधे अल्बर्ट हॉल पर पहुंचेगा समारोह स्थल पर। और जो तस्वीरें देखिए, दो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं, ये आपनों राजस्थान इसे ही कहते हैं। और अशोक गहलोत अक्सर कहा करते थे मैं थासू दूर नहीं, जब वसुंधरा राजे ने शपथ ली थी मुझे याद है तब भी अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे थे और आज जब भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं तब भी अशोक गहलोत यहां पर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल, और ये हमने पूछा भी था पहले राजकुमार शर्मा से, उन्होंने अपनी तरीके से जानकारी के आधार पर यही कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो उसमें शिरकत करेंगे और कौन से कांग्रेस यहां पर आएंगे। अच्छा, रोशन का रुख करते हैं, स्टेट हैंगर पर मौजूद है क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ ही देर बाद यहां पर पहुंचने वाले